में तौरात की दीनी तरबियत का कोई खास तजवीज़ बताएं। जवाब यह है कि ये आज के ज़माने के हमारे मुस्लिम समाज का अहम तरीन मसला है कि मस्तूरा की दीनी तरबियत का बाकायदा मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं है जैसा होना चाहिए, और बिला शुबा ये मुसलमानों की शदीद तरीन कोताही है और उसका शदीद नुकसान हम सब के सामने है कि मर्द दीनदार हैं, उनके मस्तूरात के अंदर दीनी मिजाज नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है दीनी मिजाज की, बल्कि इसलिए कि उनकी तरबियत नहीं हुई, उनको दीन सुनने का मौका नहीं मिला। हालांकि मस्तूरात की का जहन ज़्यादा नरम होता है, उनकी ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ होती है, उनको ज़्यादा जल्दी दीनदार बनाया जा सकता है। इसलिए मस्तूरात के दीनी तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम तालीमी एतबार से, दावती एतबार से, तरबियत इंतजाम से करना बहुत ज़्यादा लाजिम है। उसके लिए तजवीज़ नंबर एक, हर महल्ले वाले, हर मस्जिद वाले अपने यहाँ बच्चियों के लिए अलग मकतब कायम करें, बच्चियों के लिए अलग से मकतब कायम करें, और उस मकतब के चलाने के लिए खवातीन ही को मुकर्रर करें। उसके लिए पहले एक ना करना होगा, एक ऐसी खातून कि जो सही कुरान करीम पढ़ा सकती हो, नमाज सिखा सकती हो, उसकी जिम्मेदारी रखी जाए, एक घर सेलेक्ट किया जाए, वहां महल्ले की बच्चियां आएं और वो खातून उनको नमाज भी पढ़ाए, कुरान भी पढ़ाए, दुआएं भी याद कराए, वो तमाम जरूरी मसाइल सिखाए, और इस तरह से तैयार करें कि उन बच्चों में ऐसी बच्चियां तैयार हो जाएं जो आगे चलकर मकतब को चलाएंगे। बस जो अब तक पढ़ा रही थी, अगर वो अनमैरिड थी, जो ही उसका निकाह हो जाएगा, वो निकाह होकर चली जाए, उसकी जगह दूसरी बच्ची आ जाए जो उसने तैयार की थी, जब वो तैयार होकर के जब उसका निकाह हो जाए वो चली जाए, उसकी जगह दूसरी बच्ची। इस तरह से कंटिन्यू सिलसिला जब चलता रहेगा तो गया बच्चियों की तालीम का निज़ाम मुकम्मल होगा। इसी तरह से महलों में खवातीन के इस्तेमाल किए जाएं, और उन खवातीन के इस्तेमाल में या तो पढ़ी लिखी समझदार दीनी ज़हन रखने वाली खवातीन ही के बयानात होने चाहिए, और अगर वो बयानात ना कर सकें तो दीन का एक छोटा सा कोर्स मुकर्रर किया जाए जो खवातीन ही के लिए किताबें लिखी गई, और वो किताबें पढ़ करके सुनाई जाएं, और वो इज्तमाई मुताला हो, और उसके बाद फिर मसाइल पर बात हो, और मसाइल पर बात होने के बाद जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो उनमें किसी महरम के जरिए से कन्फ्यूजन दूर करा जाए, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका यह है कि आज के ज़माने में दावत के उन्वान पर खवातीन की जमातें भी निकाली जाती हैं, उसके जरिए से भी खवातीन की दीनी तरबियत होती है। और चौथा जरिया यह है कि आज बहुत सारी सही वेबसाइटें खवातीन की दीनी तरबियत का काम करती हैं, मुस्तनद सही वेबसाइट के जरिए से दीनी तरबियत का काम किया जा सकता है। बस ये चार तजवीज़ें हैं जो इस अहम तरीन सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाएँ और लोगों के अंदर फिक्र पैदा फरमाएँ, ताकि हम अपनी बच्चियों और अपनी खवातीन की दीनी तरबियत का वो हक अदा कर सकें जो हम सब की जिम्मेदारी है।